हेलो गाइस, पैडागोजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइस, आज हम करने वाले हैं नैतिक विकास के सिद्धांत। हमने जीन पियाजे का कर लिया था, आज हम करेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग जी जीन पियाजे के नैतिक विकास से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने अपना नैतिक विकास का सिद्धांत निकाला था। कोहलबर्ग का हम दो पार्ट में करेंगे। आज हम करेंगे जो इम्पोर्टेंट टर्म है कोहलबर्ग की, वो कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे जो इनकी छह अवस्थाएं थी, वो सेकंड पार्ट में करेंगे। दोनों पार्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आपको दोनों क्लास देखना आवश्यक है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नैतिक विकास क्या होता है, क्या सही है और क्या गलत है? जब बच्चे छोटी एज में होते हैं तो उनके लिए नैतिक विकास कुछ और होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके नैतिक विकास और सोचने का नज़रिया अलग हो जाता है, फिर उनके लिए सही और गलत के मायने अलग हो जाते हैं। यही होता है नैतिक विकास। इसी के आधार पे इन्होंने अपनी छह अवस्थाएँ बनाई थी। ठीक है, कोहलबर्ग का जन्म 1927 को हुआ था और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कोहलबर्ग अमेरिका के रहने वाले थे। मैंने आपको वाइगोस्की जी का बताया था, जीन पियाजे का बताया था, दोनों का जन्म स्थान आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। शिकागो यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर के तौर पे काम करते थे। जीन पियाजे जी कहते हैं, जो जीन पियाजे जी कहते हैं उसी से रलते मिलते इनके भी नैतिक विकास के सिद्धांत हैं। ठीक है, जीन पियाजे जी ने भी कहा था कि बच्चे के मस्तिष्क विकास जैसे जैसे होगा वैसे ही नैतिक विकास भी होता रहेगा। कोहलबर्ग का भी यही मानना था कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे मस्तिष्क के विकास होते रहेंगे और नैतिक विकास आते रहेंगे। ठीक है, हमने जो जीन पियाजे की थ्योरी थी उसमें भी किया था ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो नियम होते हैं दूसरों के द्वारा निर्धारित होते हैं, दूसरों के द्वारा थोपे जाते हैं, लेकिन जो बच्चा 8-9-10 साल का हो जाता है वो अपने नियम अपने आप बनाने लग जाता है। ठीक है, आप देख लेना वो थ्योरी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो। बाद में इनका मानना था जिम्मेवारी नैतिक विकास से ही आती है, कोई इंसान जिम्मेवार है तो उसकी नैतिक विकास अच्छे हो गए हैं, उसको सही गलत की पहचान अच्छे से होने लग गई है, इसीलिए वो जिम्मेवार है। और जो बच्चे का व्यवहार होता है वो भी नैतिक विकास ही निर्धारित करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये सभी बातें अच्छे से समझ आई होंगी। आगे हम टर्म कर लेते हैं इम्पोर्टेंट। पहली है नैतिक यथार्थवाद। ये क्या होता है, इंसानों की सेफ्टी के लिए कुछ कायदे कानून बनाए जाते हैं, जैसे लाल बत्ती वाला रूल हो गया, जहाँ लेफ़्ट हैंड पे ही हमें चलना है, वो रूल हो गया, हमारी सेफ्टी के लिए बने हैं, लेकिन कोई अगर उसको तोड़ेगा, वो जो नियम है वो तोड़ेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। जैसे हमारे यहाँ पे अब कोरोना वायरस चल रहा है तो हमारे जो रूल है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, किसी के पास ज़्यादा नहीं जाना है, मास्क लगा के रखने हैं। अगर हम वो रूल तोड़ते हैं तो पुलिस हमें सज़ा दे सकती है, इसी को नैतिक यथार्थवाद कहते हैं। दूसरा मेरा है नैतिक सहयोग। जो रूल वगैरह होते हैं सभी के सहयोग से बनाए जाते हैं, उसको नैतिक सहयोग कहते हैं। अगर एक भी छूट गया तो वो नैतिक सहयोग नहीं होगा। जैसे क्रिकेट की गेम में 10 लोग अगर खेल रहे हैं तो 10 लोगों की मंजूरी से ही नियम बनाए गए हैं, उसी को नैतिक सहयोग कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ली है, किसी इंसान ने लाल बत्ती जलते हुए रोड क्रॉस कर दिया, लेकिन उसने पुलिस को कहा कि पारिवारिक समस्या होने के कारण उसने ऐसा किया है, तो पुलिस ने सहयोग से उसे छोड़ दिया। पुलिस ने सहयोग किया, अपने साथ वालों से पूछा, 4-5 अगर पुलिस वाले होंगे उनकी होगी रजामंदी कि हाँ ठीक है जो इसने किया वो सही है, तो वो उनको छोड़ देगा, इसी को नैतिक सहयोग कहते हैं। ठीक है,
आगे मेरा पॉइंट है नैतिक दुविधा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, उसके लिए नैतिक दुविधा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी इंसान ने अपनी पत्नी को बचाना था, लेकिन दवाई काफ़ी महंगी थी, वह खरीद नहीं सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दवाई चोरी करे या ना करे। अगर चोरी नहीं करता है तो उसकी वाइफ खतरे में है, अगर वो चोरी करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। वो नैतिक दुविधा में फंस जाता है कि क्या करे, चोरी करे ना करे, ठीक है। इसी को नैतिक दुविधा कहती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ लगा होगा कि नैतिक दुविधा क्या होता है। आगे हम कर लेते हैं नैतिक तर्क। नैतिक तर्क क्या होता है कि नैतिक दुविधा में जो फंसा हुआ है इंसान, उसने तर्क किया कि कैसे ऐसे सिचुएशन से निकला जाए, और जो तर्क करके उसने रिजल्ट लेकर आया कि मुझे चोरी करनी है, अपनी वाइफ को बचाना है, वो नैतिक तर्क हो गया, ठीक है। नैतिक दुविधा को सॉल्व करने के लिए उसने जो तर्क किया उसको नैतिक तर्क कहते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। कोहलबर्ग की 11 थ्योरी थी नैतिक विकास को लेकर। उसने अलग अलग आयु के बच्चों को वो कहानी सुनाई और उसके बाद उनसे क्वेश्चन पूछे। अलग अलग आयु वाले बच्चों ने अलग अलग आंसर बताए उस क्वेश्चन के। इन 11 कहानियों में से एक बहुत अच्छी कहानी है, वो हम आज जानने वाले हैं। वो कहानी है हैंज के ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग आयु वाले बच्चों को वो कहानी सुनाई गई थी, कोई 5 साल का था, कोई 10 का था, कोई 15 का था, ठीक है। ऐसे करके बच्चों की श्रेणी ली गई थी और उनको कहानी सुनाई गई थी, और उसके बाद उनसे जाना कि क्या सही है क्या गलत है। कहानी जान लेते हैं क्या है। हैंज की कहानी है, हैंज डिलेमा भी कह देते हैं इसको। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच सकती है। वो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज वहाँ के किसी मेडिकल स्टोर वाले ने की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। मान लीजिए $20 की वो दवाई थी तो वो $200 मांग रहा था उस दवाई को देने के लिए। उस औरत का इलाज करने के लिए उसका पति हैंज उन सबके पास गया जिन्हें वो जानता था, क्योंकि दवाई महंगी थी, दवाई का जो पैसे थे वो उसके पास नहीं थे। तो वो अपने जानने वालों के पास गया कि मुझे पैसे दे दो, मैंने अपनी वाइफ की जान बचानी है, दवाई खरीदनी है। फिर भी उससे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवाई को सस्ते में दे दे, वह उसको बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा मैंने ये दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब हैंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़ दी, दवाई निकाली, अपनी पत्नी को बचा लिया, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि कोहलबर्ग की 11 कहानियाँ थी, 11 कहानियों में से ये सबसे लोकप्रिय है, ठीक है। बाद में जो बच्चे खड़े थे उसके पास जिसको उसने कहानी सुनाई, उससे क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन क्या थे, क्या हैंज को वो दवाई चुरा लेनी चाहिए थी। दूसरा क्वेश्चन था क्या चोरी करना सही है या गलत है और क्यों। क्या ये एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए। क्या दवाई बनाने को हक है कि वो दवाई के इतने पैसे मांगे। और लास्ट था क्या ऐसा कोई कानून है जिससे दवाई की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके, क्यों और क्यों नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि अलग अलग स्टेज वाले बच्चे थे, कुछ 5, कोई 10, कोई 15 वाला। जो 5 वाला था उसने तो कहा भाई कि चोरी करना पाप है, हैंज ने गलत किया और उसको जेल होना चाहिए। जो बड़े बच्चे थे 15 साल वाले,
उन्होंने कहा कि उसने अपनी वाइफ को बचाने के लिए जो कर सकता था उसने किया, और अगर फिर भी उसको दवाई नहीं मिल रही थी तो उसने चोरी की, अपनी वाइफ की जान बचाई, तो उसने सही किया। ठीक है, 5 साल वाले बच्चे का कहना कुछ और था, 15 साल वाले बच्चे का कहना कुछ और था। ठीक है, इसी पे इन्होंने अपनी 6 अवस्थाएं बनाई थी, उसको हम अगले पार्ट में करेंगे। अभी हमारे कुछ और क्वेश्चन हैं। आप मुझे ये भी बताइएगा कि जो हैंज थे उसने सही किया था कि नहीं किया था। अपना अपना जवाब दिए और मुझे रीज़न के साथ जवाब देना, क्या कारण है आपका, क्यों आप ऐसा सोचते हैं। ठीक है, मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, उसका क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चे के लिए सही और गलत अवस्था के हिसाब से। ये हमारे सीटेट पेपर के एग्ज़ाम के लिए नहीं है, आपकी जानकारी के लिए है। एक बार देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा, और आप देख भी लेना बच्चों को कि बच्चे सच में ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, खुद फैसला करिएगा। जैसे बच्चा शैशवावस्था में होता है जन्म से 2 वर्ष तक, जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि ये कोहलबर्ग की अवस्थाएँ नहीं हैं। ठीक है, शैशवावस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, बच्चे के लिए क्या सही होता है क्या गलत होता है। बच्चे के लिए उसकी माँ का पास होना सही होता है, वही बच्चे को खुशी देती है, तो वो सही है। अगर बच्चे के पास उसकी माँ है तो उसके लिए सही है, अगर बच्चे की माँ उसके पास नहीं है तो वो गलत है। ठीक है, शैशवावस्था में जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष की आयु में होता है तो बच्चे की माँ अगर उसके पास है तो उसके लिए राइट है। राइट और रॉन्ग हम देख रहे हैं, सही और गलत देख रहे हैं। सही है, उसकी बच्चे की माँ उसके पास है, अगर उस बच्चे की उसकी माँ की पास नहीं है तो वो गलत है। दूसरा है मेरा पूर्व बाल्य अवस्था, 2 से 6 वर्ष तक होती है। जो परिवार में हो रहा है वो सही है उसके लिए, और दूसरों घर में अगर वैसा नहीं हो रहा है तो वो गलत है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मान लीजिए आपके घर में रूल है 10 बजे से पहले पहले टीवी बंद होना है, आपके घर में होता है वो सही है, दूसरे के घर में अगर 11 बजे टीवी बंद हो रहा है तो वो गलत है। उसके घर में 10 बजे नहीं बंद हो रहा है, नियम नहीं है, तो उसके घर में गलत हो रहा है, मेरे घर में सही हो रहा है। पूर्व बाल्य अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु क्यों होता है आपको रीज़न बताता हूँ। जिज्ञासु इसलिए होता है, प्रश्न इसलिए ज़्यादा पूछता है क्योंकि हर चीज़ बच्चे के लिए नई होती है। बच्चा हर नई चीज़ को पूछता है ये क्या है, आपको सही सही आंसर बताना होता है उसका। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे के लिए हर चीज़ नई होती है। आगे कर लेते हैं, उत्तर बाल्य अवस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष की आयु तक। इस एज में बच्चा स्कूल जाने लग जाता है। ठीक है, स्कूल जाता है और टीचर की बात मानता है, इसीलिए जो टीचर कहे वह सही है और जो अध्यापक नहीं कहे वो गलत है। अगर कोई और उसको कहेगा कि ऐसा नहीं है तो बच्चा कहेगा मेरे अध्यापक ने ये कहा है और यही सही है। ठीक है, किसी और की बात नहीं मानेगा। अध्यापक का रोल जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो अध्यापक कहेगा बच्चा वही मानेगा। बच्चे के लिए अध्यापक रोल मॉडल होते हैं, इसलिए अध्यापक का फर्ज है कि बच्चे को सही सही जानकारी दें। ठीक है, और लास्ट है मेरी किशोरावस्था, ये होती है 12 से आगे। इस एज में अब बच्चे अपने अच्छे फ्रेंड बनाने लग जाते हैं, ज़्यादातर बच्चा फ्रेंड के साथ रहता है, उन्हीं के साथ रहना पसंद करता है क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो सेम होते हैं, फिज़िकल चेंज होते हैं। ठीक है, उनको एक दूसरे की आदतें पसंद आती हैं, इसीलिए अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। इसीलिए बच्चे के लिए सही होगा मित्र जो कहे, मित्र जो कहेगा वो सही है और जो मित्र ना कहेगा वो गलत है। इसी अवस्था में अगर बच्चे को अच्छे फ्रेंड मिलते हैं तो बच्चा अच्छे से विकास कर जाएगा, और अगर बच्चे को अच्छे फ्रेंड नहीं मिलते हैं तो बच्चा सुधरेगा नहीं, फिर बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेज है, और आपने देखा भी होगा कि इसी एज में ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं नशा करने लग जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं, सिगरेट पीने लग जाते हैं,
क्यों लगते हैं? क्योंकि उनके जो फ्रेंड होते हैं, साथ वाले होते हैं, वो ऐसा काम करने लग जाते हैं। तो हमारा फ़र्ज है कि बच्चों पे ध्यान दीजिएगा कि वो किसी बुरी संगत में तो नहीं है, ठीक है। ये थी अवस्थाएं। इसके बाद हम कोहलबर्ग की 6 अवस्था जो है वो करेंगे, ठीक है, अगले पार्ट में करेंगे। आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मेरा ऐसा मानना है, और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।